कर सकते हैं। तो बाबा के ये शब्द में सुनेंगे, एक्सप्लेनेशन करने का भी इतना नहीं है क्योंकि बाबा ने ही एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छी तरह से। बहुत एकाग्र होके और खुशी से हम बाबा के महिमा को सुनेंगे। तो आज बाबा के 23 तारीख के महावाक्य है और रिवाइज डेट है 16 मार्च 1995। 16 मार्च 1995 ये मुरली कहाँ चली? ओम शांति भुवन में। अच्छा, मुरली की हेडिंग सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता। आज सर्व प्राप्तियां कराने वाले बाप दादा अपने चारों ओर के प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे हैं, इसने कितनी प्राप्ति की है अपने जीवन में, अपने आप को भरा है बाबा, देख रहे हैं। सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को बाप ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है। ऐसे नहीं किसको 10 दिया हो, किसको 20 दिया हो, सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया है। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। घर में बच्चा आया तो अपने आप पिता की प्रॉपर्टी का वारिस हो जाता है, तो सब बच्चे अधिकारी। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चों में अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। पिता की प्रॉपर्टी है लेकिन पिता ट्रांसफर भी तो करता है। पिता के चार बच्चे हैं, पिता की प्रॉपर्टी है, तो वो पिता प्रॉपर्टी बच्चों को ट्रांसफर भी करता है कि भाई इस बच्चे को ज्यादा ये कम, जो जो काबिल होगा, जो योग्य होगा ना, तो या तो बराबर करते हैं या फिर काबिलियत के आधार पर करते हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। बाप ने सर्व दिया है, बाप को सर्व शक्तिमान व संपन्न सागर कहते हैं, लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहां तक अपना बनाया है। बाप का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हैं तो जितना अपना बनाते हैं उतना ही नशा और खुशी रहती है। अब अपना बनाना अर्थात, अपना बनाना अर्थात धारण करना। मैंने पढ़ा, कोटेशन पढ़ा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन मैंने भी उसको धारण किया, प्रैक्टिकल जीवन में लाया, तो वो चीज मैंने अपनी बनाई। तो बाबा कहते हैं बाप ने दिया, बाप ने, लेकिन अपने में धारण कर अपना बना लिया, तो क्या देखा कि अपना बनाने में नंबर वार हो गए। बाबा सभी बच्चों को मुरली एक जैसे सुनाते हैं ना, लेकिन कोई कितना उसको मुरली को धारण करता है उसमें फिर नंबर वार है। बाप ने नंबर नहीं बनाए हैं लेकिन अपनी अपनी धारण की यथाशक्ति ने नंबर वार बना दिया है। संपूर्ण अधिकार वह सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा
जो सदा अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे व अनुभव में रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? प्राप्तियों की निशानी क्या है? हेडिंग में पढ़ा ना, प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता और प्रसन्नता, संतुष्टता, संतुष्टता। वो सदा संतुष्ट मणि बन दूसरों को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन फैलाते रहते थे। उनका चेहरा सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देगा। प्रसन्न चित्त अर्थात सर्व प्रश्न चित्त से न्यारा। क्वेश्चन मार्क में कोई प्रश्न नहीं होगा, प्रसन्न होगा। क्यों, क्या, कैसे, क्या सब समाप्त। तो ऐसे प्रसन्न चित्त बने हो कि अभी भी कभी कभी कोई प्रश्न उठता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होगा, कब होगा। क्वेश्चन मार्क, ये प्रश्न चाहे मन में चाहे दूसरों से उठता है, प्रश्न चित्त हो या प्रसन्न चित्त हो, क्वेश्चन मोड में रहते हैं या खुश है, या कभी प्रश्न चित्त कभी प्रसन्न चित्त, कभी कभी क्या है। वैसे गायन क्या है आपका? हम ब्राह्मणों का क्या गायन है? हाँ, ब्राह्मणों का क्या गायन है? प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये किसका, किन ब्राह्मणों का गायन है? बाबा पूछ रहे ये किसका और किन ब्राह्मणों का गायन है? आपका है या क्या दूसरे आने वाले उनका है? आपका ही गायन है ना। अब प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, आपका है या दूसरे आने वाले? आप ही हो। तो जब कोई अप्राप्ति होती है ना, अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। अब अपना अनुभव देखो, कभी भी मन असंतुष्ट होता है तो कारण क्या होता है? कभी भी मन असंतुष्ट होता है तो उसका कारण क्या होता है? कोई ना कोई अप्राप्ति का अनुभव करते हो तब असंतुष्टता होती है। गायन तो है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ये आपका गायन है, ये इस समय का गायन है या विनाश के समय का गायन है? विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे कि अभी होना है? जो समझते हैं कि हम सदा प्रसन्न चित रहते हैं कभी भी किसी भी बात में, चाहे अपने संबंध में चाहे दूसरों के संबंध में भी प्रश्न नहीं उठता, सदा संतुष्ट रहते हैं, ऐसी संतुष्ट आत्माएं कितनी होंगी? बहुत है। अच्छा, जो समझते सदा ही प्रसन्न चित रहते हैं चाहे माया कितना भी हिलाए, हम नहीं हिले। माया को हिला देते हैं। माया नमस्कार करती है और हम अंगद हैं। माया हार जाती लेकिन हम विजयी हैं। जो ऐसे हैं वो हाथ उठा। शीला बहन,
बहुत बढ़िया। अच्छा कल हुआ पेपर आया कल? ठीक है, तो आज बाबा का ध्यान है। अच्छा और ऑनलाइन में और कोई है ऐसे जो कुछ भी हो जाए अंगद के समान स्थिर है, माया हिलाए लेकिन माया को हिला दे? तो बाबा कहते हैं जो ऐसे समझते हैं वो हाथ उठा। सदा शब्द याद रखना, सदा कैसी भी परिस्थिति कैसा भी सामने वाले से व्यवहार हो लेकिन खुशी ना जाए, सदा प्रसन्न चित्त। कभी कभी वाले नहीं, बहुत थोड़े हैं, कोटों में कोई है, क्वेश्चन मार्क उठता तो है ना, क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाए, ऐसा हो सकता है? क्वेश्चन मार्क आपकी डिक्शनरी से निकल जाए, हलचल भी ना हो। कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है ना, आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए, क्वेश्चन मार्क आश्चर्य की मात्रा खत्म। इसको कहा जाता है सदा प्रसन्न चित्त। नथिंग न्यू, बाबा बैठा है, इसको कहा जाता है सदा प्रसन्न चित्त। ऐसा थोड़ा साउंड कम आ रहा है दीदी, साउंड कम आ रहा है, थोड़ा माइक ऊपर कर दीजिए प्लीज, माइक थोड़ा माइक थोड़ा उचित। ऐसा प्रसन्न चित्त औरों का भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर देता है, नहीं तो स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात सुनेंगे देखेंगे कहेंगे तो क्या होगा? यदि खुद में क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात देखेंगे सुनेंगे कहेंगे तो क्या होगा? हाँ ये तो होना नहीं चाहिए था ना, लेकिन होता है, मैं भी समझती हूँ होना नहीं चाहिए, मिक्स हो जाएंगे, मतलब दूसरे उस बातों के प्रभाव में आ जाएंगे, उसके प्रश्न को और अंडरलाइन कर देंगे। टेका तो दे दिया ना आपने, बोला हाँ सही बात है, तो टेका तो दे दिया ना, दादी गुलजार कहते थे सिर भी हिलाया ना, टेका दे दिया, आपका भी उसमें आ गया हिसाब में कि हाँ ये ठीक नहीं है लेकिन होता है। तो प्रसन्न चित्त उसको नहीं किया लेकिन और ही प्रश्न को बढ़ा दिया, एडिशन हो गई। वैसे एक का क्वेश्चन था, अभी दो का हो गया, दो से चार का हो गया। तो प्रसन्न चित्त वाइब्रेशन के बजाय कौन सा वाइब्रेशन वायुमंडल में फैल जाता है? प्रश्न चित्त का वाइब्रेशन जल्दी फैलता है। हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा है, मतलब तो ये साथ तो दिया ना आपने, कहा हाँ सही बात है ऐसा है, तो साथ तो दिया ना, आश्चर्य की मात्रा आ गई ना, हाँ तो फुल स्टॉप तो नहीं हुआ ना, चाहे अपने प्रति भी ये मेरे से होना नहीं चाहिए, ये मेरे को मिलना चाहिए, ये दूसरे को नहीं होना चाहिए, तो ये चाहिए चाहिए प्रश्न चित्त बना देता है, प्रसन्न चित्त नहीं। तो सभी का लक्ष्य क्या है? संतुष्ट और प्रसन्न चित्त। अच्छा आज बाबा ने बहुत सारे बच्चों के आंसर्स दिए। जिसका प्रसन्न चित्त होता है
जो खुश है उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। जो खुश रहता है उसका मन और बुद्धि उसमें व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। वो कैसा होगा? सदा निर्मल, निर्माण। निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। निर्माण होने के कारण सभी को खुश रह के, खुद प्रसन्न है उसमें रह के दूसरों को शीतलता देंगे। मतलब उन सामने वाला क्वेश्चन में है, प्रसन्न चित्त है, सॉरी प्रश्न चित्त है, उसका भी क्वेश्चन खत्म करेंगे, उसको शीतलता देंगे। कैसा भी आग समान जला हुआ, बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएगा। सामने वाला बहुत गर्म है, बाबा कहते आग के समान जला हुआ है, लेकिन आप प्रसन्न हो ना, तो वो भी शीतल हो जाएगा। कमजोरी क्या आती है? वैसे ठीक चलते हो, अपनी रीति से अच्छे चलते हो, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हो तो दूसरे की कमजोरी देखते, सुनते, वर्णन करते प्रभाव में आ जाते हो। फिर कहते हो कि इसने किया ना, इसलिए मेरे से भी हो गया। ब्लेम करने लगते हो, इसने कहा तभी मैंने कहा, उसने 50 बारी कहा, मैंने 1 बारी कहा, उसने 50 बारी कहा, मैंने 1 बारी कहा। फिर बाप के आगे भी बहुत मीठी मीठी बातें रखते हैं। क्या कहते हैं? बाबा आप समझो ना, इतना सहन कहां तक करेंगे? फिर भी पुरुषार्थी तो है ना, बोल दिया तो क्या हुआ, ये बाबा के शब्द है, फिर भी पुरुषार्थी तो है ना, तो थोड़ा तो आएगा ना, थोड़ा तो गुस्सा आएगा ना, थोड़ा तो बोल में निकलेगा ना, पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण कहां बने हैं। पाप को भी समझाने लगते हैं, यहां जो निमित्त हैं उन्हों को बहुत कथाएं सुनाते हैं, यहाँ जो निमित्त हैं उन्हों को बहुत कथाएं सुनाते हैं, मतलब जस्टिस करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को प्रूफ करते हैं, कथाएं सुनाते हैं, ऐसा था ना, इसलिए ऐसा, ऐसे ऐसे की माला जपते हैं। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि ऐसी बातें 2 अक्षर में वर्णन करो, लंबा वर्णन नहीं करो, क्योंकि ये व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती है, मजेदार लगती हैं, जैसे हाँ बाबा भी कहां की बात कहां ले जाते, जैसे खाने पीने में, हाँ बाबा जैसे खाने में भी खट्टी मीठी चीज हो तो अच्छी लगेगी ना, और फीकी, सादी हो तो कहेंगे ये तो खाते ही रहते हैं, फीका फीका ये तो खाते ही रहते हैं। तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन सुनना, बोलना और करना, इसमें फिर चलते चलते इंटरेस्ट बढ़ जाता है, थोड़ा मिर्च मसाला भी लगा देते हैं उसमें, फिर सोचते हैं मैं तो नहीं चाहती थी लेकिन उसने सुनाया ना,
तो मैंने कहा कि अच्छा उसका सुन ले, दिल खाली कर दे, मतलब सामने वाले का सुन ले, चलो उसका दिल खाली हो जाएगा, भरा हुआ है ना, सुन ले तो दिल खाली कर दे। तो बाबा क्या कहते, उसकी तो दिल खाली हुई और आपने, आपने अपनी दिल भर ली। वो थोड़ा थोड़ा दिल में भरते भरते फिर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा दिल में भरते भरते फिर संस्कार बन जाता है, और जब संस्कार बन जाता है तो महसूस ही नहीं होता कि ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये व्यर्थ संस्कार। फिर क्या करता है, बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देता है। इसलिए सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है। बहुत अच्छी बाबा विधि बता रहे, सदा सदा संतुष्ट रहने की विधि है, सदा अपने सामने कोई ना कोई विशेष प्राप्ति को रखो, क्योंकि प्राप्ति भूलती नहीं है, ज्ञान के पॉइंट्स भूल सकती है लेकिन कोई भी प्राप्ति भूलती नहीं है। क्या प्राप्ति, बाप से क्या क्या मिला, कितना मिला है, कितना सुंदर ब्राह्मण जीवन मिला, ज्ञान मिला, ब्राह्मण परिवार मिला, कितना श्रेष्ठ संघ मिला, है ना, कितने सारे बाबा ने हमें टाइटल दिए, आप पूर्वज हो, आप शिव शक्ति हो ना, तो बाबा से क्या क्या मिला, कितना मिला है। वैरायटी पसंद आती है ना, एक जैसा पसंद नहीं होता। तो आप अपने प्राप्तियों को देखो, ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है और योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी है, ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है। रोज बाबा हमें ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, और योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी है, दिव्य गुणों की प्राप्तियां कितनी है, प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी है, दिव्य गुणों की प्राप्ति। बाबा कहते लिस्ट निकालो, बहुत लिस्ट है ना। पहले भी सुनाया था कि कभी कोई गुण की प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो, क्योंकि एक गुण भी अपनाया तो जैसे विकारों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, अगर बाहर के रूप में इमर्ज रीति से क्रोध है, बाहर के रूप में इमर्ज रीति से क्रोध है लेकिन आंतरिक चेक करो तो क्रोध के साथ लोभ अहंकार होता ही है। बाहर की रीति से क्रोध दिख रहा है लेकिन अंदर से देखें तो क्रोध के साथ लोभ अहंकार होता ही है। ये सब आपस में साथी है, कोई इमर्ज रूप में होते हैं, कोई मर्ज रूप में होते हैं, कोई विकार इमर्ज रूप में, कोई मर्ज रूप में। तो गुण भी जो है, गुण वैल्यूज जो है, उन्हों का भी आपस में संबंध है। इमर्ज एक गुण को रखो लेकिन दूसरे गुण भी उनके साथ ही मर्ज रूप में होते हैं। तो रोज कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करो। अगर प्राप्ति इमर्ज रूप में होगी, अगर प्राप्ति इमर्ज रूप में होगी तो प्राप्ति के आगे अप्राप्ति खत्म हो जाएगी। प्राप्ति दिख रही ना, क्या दिया बाबा ने, प्राप्ति
प्राप्ति के आगे अप्राप्ति खत्म हो जाएगी और सदा संतुष्ट रहेंगे। वैसे भी देखो दुनिया में भी मुख्य प्राप्ति सभी क्या चाहते हैं बताओ, जिन्होंने पढ़ी है मुरली सुनी है वो नहीं बताना। दुनिया में भी मुख्य प्राप्ति सभी क्या चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं? सुख शांति और खुशी और माला माल और ऑनलाइन क्या चाहते हैं? संबंधों में सुख संतुष्टता चाहते हैं और मान स्वास्थ्य संबंधों का सुख नाम सान स्वास्थ्य भी चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं खुशी चाहते हैं सबसे ज्यादा, मान चांद भी चाहते हैं, मान चांद भी चाहते हैं। हर एक चाहता है अपना नाम अच्छा हो, दूसरा मान और तीसरा शान। बाबा ने इसका भी आंसर दिया है, नाम मान शान ये प्राप्त करना चाहते हैं। आप भी क्या चाहते हो? आप भी तो यही चाहते हो ना, हद का नहीं बेहद। तो दुनिया वाले तो हद के नाम के पिछाड़ी दौड़ते हैं, और आपका नाम विश्व में जितना ऊंच है उतना और किसका है? बाबा पूछ रहे आपका नाम विश्व में जितना ऊंच है उतना और किसका है? अभी बीके का टाइटल मिल गया, ये तो यूनिवर्सल नाम हो गया ना, बीके ब्रह्मा कुमारी, हर ब्राह्मण के साथ बीके लगा हुआ है, उतना और किसका है? तो आप अपने नाम को देखो, सबसे नाम की विशेषता ये है कि आपका नाम कौन जपता है? आपका नाम कौन जपता है? वो कहानी सुनी ना एक भगवान, हाँ एक हनुमान जी की कहानी, नारद जी विष्णु जी के पास पहुंचे, तो विष्णु जी एक डायरी देख रहे थे, पूछा विष्णु जी मतलब नारायण जी एक डायरी देख रहे थे, पूछा ये आज आप क्या देख रहे हैं? तो कहा ये मेरी बहुत स्पेशल डायरी है। तो कहा क्या है इसमें? नारद जी ने पूछा, कहा इसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं। दीदी साउंड कम हो रहा है बहुत। पूछा कि किसके नाम लिखे हैं? हाँ तो कहा उनके नाम लिखे हैं जिनको जो भक्त मुझे बहुत याद करते हैं। तो नारद जी ने कुछ कहा कि क्या मैं ये डायरी देख सकता हूँ? हाँ भले 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 देखो। तो देखा सबसे पहला नाम नारद जी का लिखा था। अच्छा पूरी डायरी में ढूंढने लगे हनुमान जी का नाम कहाँ लिखा है, तो हनुमान जी का नाम कहीं नहीं मिला। अब नारद जी की तो आदत होती है, पहुंच गए हनुमान जी के पास और हनुमान जी तपस्या कर रहे थे, तो हिला के बोलते हैं नारद जी ये तुम्हारी तपस्या वगैरह ना ये सब ढोंगे। तो हनुमान जी फिर अपनी तपस्या पे ध्यान देते हैं, फिर कहते हैं ये सब ढोंगे, कहते हैं कि मैं अभी एक डायरी देख के आया हूँ नारायण जी के पास, उसमें तुम्हारा नाम नहीं है, उसमें मेरा नाम नहीं है। हनुमान जी कहते कि नाम हो या ना हो मुझे तो अपने काम से मतलब है, मैं तो तपस्या करूंगा। अच्छा ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद फिर नारद जी पहुंच गए श्री नारायण जी के पास, फिर देखा कि आज फिर एक डायरी देख रहे हैं। तो कहा आज ये दूसरी डायरी, ये कौन सी डायरी? कहा ये मेरी बहुत 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 स्पेशल डायरी है। बहुत स्पेशल है, इसमें किसके नाम लिखे? इसमें उनके नाम लिखे जिन्हें मैं बहुत याद करती हूँ। तो देखा कि उस डायरी में सबसे पहला नाम लिखा था हनुमान जी का। तो आप सब बाबा के वो बच्चे हैं जिन्हें बाबा याद करते हैं। हम प्रधानमंत्री को सब जानते हैं लेकिन हमें प्रधानमंत्री जाने तो गर्व की बात है। तो डायरेक्ट सुप्रीम डायरेक्टर
क्रिएटर प्रोड्यूसर वो हमें जानता है, वो हमारा नाम जपता है, तो और क्या चाहिए। तो बाबा भी कहते स्वयं भगवान का नाम जपता है तो इससे बड़ा नाम क्या होगा, इससे बड़ा नाम क्या होगा। आपके नाम से अभी लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही है। आपके नाम से लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही है। आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं। अभी तक नामधारी ब्राह्मण भी कितना ऊंचे गाए जाते हैं, तो आपके नाम की कितनी महिमा है। इतना श्रेष्ठ नाम आपका हो गया, इसलिए हद के नाम के पीछे नहीं जा। मेरा नाम तो कभी, हाँ बच्चों की कंप्लेन क्या होती है, मेरा नाम तो कभी किसी में लेते ही नहीं, मेरा नाम सदा पीछे ही रहता है। सेवा मैं करती हूँ, नाम दूसरे का हो जाता है। तो हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। बाप के दिल में बाबा कहते आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। जब बाप के दिल में नाम हो गया तो कोई सेवा में या कोई प्रोग्राम में या कोई भी बातों में आपका नाम नहीं भी आया तो क्या आजा? आपके दिल में है ना, तो कोई सेवा में कोई प्रोग्राम में कोई बात में आपका नाम नहीं भी आया तो क्या आजा? बाप के पास तो है ना। जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं ना, तो उसके दिल में क्या था, हनुमान जी के चित्र में हनुमान जी के दिल में क्या था, राम सीता राम जी, हनुमान जी के दिल में राम जी थे। और बाप के दिल में क्या है, बच्चे। बाप के दिल में बच्चे हैं, तो बच्चों में आप हो या नहीं हो, बाबा के दिल में बच्चे हैं, उन बच्चों में आप हो या नहीं हो, हो ना। तो सभी का नाम है, देखा है पक्का, कभी मिस हो गया हो तो। आप सभी का नाम बाबा के दिल में है, तो और नाम के पीछे क्यों पड़ते हो, क्योंकि मेजोरिटी यही, क्योंकि मेजोरिटी यही नाम मान शान गिराता भी है और यही मान शान नशा भी चढ़ाता है। ये तो विनाशी है ना, कलयुग में तो ये चीज तो विनाशी है ना। तो जो विनाशी चीज है उसका तो विनाश हो गई, कभी कुछ हो जाए कह नहीं सकते, लेकिन बाबा के दिल में तो वो तो अविनाशी है। और दुनिया में किसी तरह से है तो वो तो विनाशी है ना। तो बाबा कहते हैं ये यही नाम मान शान नशा भी चढ़ाता है। तो प्राप्ति के रूप में देखो, अगर मानो कोई कारण से आपका नाम गुप्त है और आप समझते हो कि मेरा नाम होना चाहिए, यथार्थ है, बाबा कहते राइट है, फिर भी अगर किसी आत्मा से हिसाब किताब के कारण या उसके संस्कार के कारण आपका नाम नहीं होता है, आप राइट हो, वो रोंग है, फिर भी उसका नाम होता है आपका नहीं, तो विजय माला में आपका नाम निश्चित है। जब अंतिम रिजल्ट निकलेगी तो उसमें आपका नाम होगा। गुलजार दादी एक बारी संदेश ट्रांस में गए तो बाबा ने गुलजार दादी को 108 में कौन कौन आएंगे वो सारे चेहरे दिखाए थे गुलजार दादी को। दादी आके कहते हैं संदेश में, दादी कहते हैं जो दिखते हैं ना बड़े बड़े
उस वो माला में तो कोई थे ही नहीं, गुप्त बच्चे थे, मतलब कई ऐसे बच्चे थे जिनको प्रत्यक्ष में इस शरीर में देखा ही नहीं था, गुप्त साधना कर रहे थे, गुप्त पुरुषार्थी थे, वो 108 की माला में थे। तो बाबा कहते अंत समय वो माला तो प्रत्यक्ष होगी ना, ना कोई जीवन भर गुप्त रहा हो या पीछे दुनिया ने कर दिया हो, अंत में उसका नाम डिक्लेयर कर दिया जाए तो उसे ज्यादा खुशी होगी ना। देखो पीछे किया लोगों ने और भगवान के दिल में तो सबसे ऊंचे पे है ना, सबसे आगे है। तो बाबा कहते तो विजय माला में आपका नाम निश्चित है, इसलिए इसके भी परवाह नहीं करो। इस रूप में माया ज्यादा आती है, इसलिए अभी गलती से नाम मिस हो भी गया कोई हर्जा नहीं, लेकिन विजय माला में आपका नाम मिस हो नहीं सकता। पहले आपका नाम होगा, तो अपने नाम की महिमा याद रखो कि मेरा नाम बाप के दिल पर है, विजय माला में है, अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है। देखो कुछ आत्माएं होती हैं जमीन के नीचे पर्दे के पीछे है ना, इमारत को साधने वाले, और कुछ होते हैं इमारत में सजे सजाए है ना। हर हर व्यक्ति की जरूरत है, इमारत की भी जरूरत है, नीचे की भी जरूरत है। अब पिलर जो है नीचे, वो सोचे मैं आगे आ जाऊं, मैं फ्रंट में आ जाऊं तो क्या होगा। तो बाबा को तो हर स्थापना करनी है, तो स्थापना में तो हर व्यक्ति की जरूरत होती है। तो बाबा कहते ये नहीं सोचो मेरा नाम पीछे आगे। प्रकाशमणि दादी एक बारी भोपाल में आए थे, तो वहां पर प्रोग्राम था, बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम था 2003 में। तो एक माता थी, 3 दिन प्रोग्राम चला, उसका ड्यूटी थी बर्तन मांजने की। लास्ट में जाते दादी गए, जाने से पहले दादी ने कहा पहले उस माता को बुलाओ, उसको मैं देख रही हूँ कितने प्यार से तन्मयता से वो सेवा कर रही है। दादी ने उसको बुलाया, सबके सामने दादी ने उसको टोली दी, उसके प्रशंसा की। तो बाबा भी तो ध्यान रखता है ना, कोई भी आपको सेवा मिली हो बाबा भी तो देखता है ना। अच्छा अब बाबा दूसरा पॉइंट, और आपका मान कितना है, अभी नाम की चर्चा हुई, अब मान, और आपका मान कितना है। भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा है, पहले बच्चे, तो स्वयं बाप ने मान दे दिया, कितना आपका मान है हा? उसका प्रूफ देखो, क्या प्रूफ है। बाबा कहते कितना आपका मान है उसका प्रूफ देखो, कि आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है। चाहे जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन कोई भी देवी देवता का चित्र होगा तो कितने मान से उसको देखते हैं, कितना सम्मान देते हैं उस चित्र को। सबसे श्रेष्ठ मान आप अब तक आपके चित्रों का भी है, ये प्रूफ है। जब आपके चित्र ही इतने माननीय पूजनीय हैं, तो जिसका मान रखा जाता है उसको पूजनीय माना जाता है। हमेशा कहते हैं ना, यह हमारे पूजनीय हैं, यह हमारे पूज्य हैं, पूर्वज हैं। तो प्रैक्टिकल प्रूफ है कि आपके चित्रों का भी मान है, तो चैतन्य में है तब भी चित्रों का मान है। चैतन्य में है तभी तो चित्रों में चित्रों का मान है। अगर चैतन्य में मान नहीं होता तो चित्रों को कैसे मिलता। बाप तो सदा कहते हैं पहले बच्चे, बच्चे डबल पूजे जाते हैं और बाप सिंगल। बच्चे डबल पूजे जाते हैं कैसे, एक मिनट, ये क्या शालिग्राम और देवी देवता दो रूप में।
आवाज मुझे नहीं आ रही ऑनलाइन की। शालिग्राम के रूप में, शालिग्राम के रूप में और देवताओं के रूप में, चर्चित्र देवी देवताओं के रूप में डबल पूजे जाते हैं ना, तो कहते हैं जब आपके चित्र ही इतने माननीय पूजनीय है तो जिसका मान रखा जाता है उसको पूजनीय माना जाता है। हमेशा कहते हैं ना ये हमारे पूर्वज है, तो आपका मान बाप से ज्यादा हुआ ना, इतना श्रेष्ठ मान मिल गया, तो जब भी कोई हद के मान की बात आए, जब भी कोई हद के मान की बात आए तो क्या सोचना, तो सोचना कि आत्माओं का मान क्या करेगा। जब परम आत्मा का मान मिल गया, ऐसे नहीं सोचो कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी मान नहीं देते, पूछते ही नहीं है, ये सोचना व्यर्थ है। क्योंकि जितना आप हद के मान के पीछे दौड़ लगाएंगे ना, जितना आप हद के मान के पीछे दौड़ लगाएंगे ना, तो ये हद की कोई भी चीज परछाई के समान है। परछाई के पीछे पड़ने से कभी परछाई मिलती है कि और आगे बढ़ जाती है। तो ये हद का मान, हद का नाम, ये परछाई है। तो सूरज के सामने खड़े हो तो परछाई कहाँ बनती है, पीछे, और सूरज से बैक हो जाओ तो परछाई आगे। इट मीन सूरज शिव बाबा को देखो तो दुनिया की प्राप्तियां आपके पीछे पीछे आएंगी, और बैक हो गए तो प्राप्तियों के पीछे भागना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं ये नाम, हद का नाम और हद का मान, ये सब परछाई है। ये माया के धूप में दिखाई देती है लेकिन है कुछ भी नहीं। तो नाम भी आपको मिल गया, मान भी आपको मिल गया है, और शान कितना है। अपने एक एक शान को याद करो, और किसने शान में बिठाया, किसने आपको शान में बिठाया, बाप ने बिठाया। बाप के दिल तख्त नशीन है, सबसे बड़े ते बड़ी शान क्या है, सबसे बड़े ते बड़ी शान राजपद है ना, सत्योगी राजपद है। तो आपको तख्त ताज मिल गया है ना, जो परम आत्मा के तख्त नशीन है, इससे बड़ी शान क्या है। कभी कभी निर्णय करने में एक छोटी सी गलती कर देते हो। कौन सी गलती करते हो, बाबा कहते कभी कभी निर्णय करने में एक छोटी सी गलती कर देते हो। जो रियल शान है, रूहानी शान है, वो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देगा। तो कभी कभी क्या करते हो, होता अभिमान है लेकिन समझते हो कि ये शान तो अपना रखना चाहिए ना, इतना शान तो रहना चाहिए ना, रखना चाहिए। शान में रहना अच्छा होता है लेकिन शान है या अभिमान है उसको अच्छी तरह से चेक करो। अब अभिमान है, इसकी पहचान क्या होगी, शान है या अभिमान है, कैसे चेक करें कि ये अभिमान है। मैं करता रहेगा और मुझे अभी अभी मान दो, मुझे अभी अभी मान दो। हाँ, तो बाबा कभी कभी अभिमान को शान समझ लेते, उसको अपमान की फीलिंग बड़ी जल्दी आएगी और वो अपने आप को सिद्ध करता रहेगा, अपने आप की तारीफ करता रहेगा, अपना बड़ बोना दूसरा ठीक है, ऐसे ये निशानी है अभिमान की। तो बाबा कहते हैं कभी कभी अभिमान को शान समझ लेते और फिर निर्माण नहीं होते हैं। तो अपने शान को रियल समझते हो
लेकिन दूसरे समझते हैं कि ये अभिमान है, तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लगेगा। अभिमानी व्यक्ति को अपमान जल्दी फील होता है, और जो शांत में रहता है उसे हाथी चल रहा है, आसपास कोई कुछ भी है उसे तो फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी शान में है, मस्त मौलम में, क्योंकि उसको अंदर से भरा हुआ है ना, अंदर से खुश है, अंदर से भरा हुआ है तो संतुष्ट है। और अभिमानी व्यक्ति बाहर से दिखाता मैं भरा हुआ हूँ और अंदर से खाली होता है। जब अंदर से खाली होता है तो अपेक्षा होती है प्रशंसा करे ना, भरा हुआ नहीं है तो अपमान फील होता है यदि कोई नहीं करता। तो बाबा कहते हैं अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होगा। थोड़ी भी किसने हसीन भी कुछ कह दिया तो अपमान लगेगा, ये अभिमान की निशानी है। सोचेंगे नहीं मैं तो ऐसा हूं नहीं, ऐसे थोड़ी कहना चाहिए। तो निर्णय ठीक करो, उस समय निर्णय में कमी कर लेते हो, यथार्थ के बजाय मिक्स होता है और आप उसको यथार्थ समझ लेते हो। तो कहने में आता है कि ये है बहुत अच्छे, लेकिन बोलचाल उठना बैठना जो है ना वो अभिमान का लगता है। ये भी किसी ने कहा तो अपमान की फीलिंग आ जाएगी। ये बड़े हैं बड़े अच्छे, लेकिन इनका बोलचाल उठना बैठना अभिमान का लगता है। ये सामने वाले ने कहा ना तो अपमान की फीलिंग आ जाएगी। तो समान और अभिमान के अंतर को भी चेक करो, समान कितना बड़ा है, शान कितनी बड़ी है। उस बेहद के नाम मान और शान को सदा इमर्ज रखो, उस बेहद के नाम मान और शान को सदा इमर्ज रखो, मर्ज नहीं इमर्ज करो। जैसे याद में कभी कभी अलबेला बना जाता है तो कहते हैं हम हैं ही बाप के, याद क्या करें। हाँ, लेकिन इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होता है। ऐसे ही हर धारणा में अलर्ट रहो, हर धारणा में अलर्ट रहो, अलबेले नहीं बनो, क्योंकि समय समीप आ रहा है। और समय समीप क्या सूचना दे रहा है कि समान बनो और संपन्न बनो। अभी तो ये इतना होमवर्क है ना जो बाबा ने दिया है, समान बनो संपन्न बनो, यही पुरुषार्थ इतना है, तो दूसरी बातों में जाने का टाइम ही नहीं है। अरे अपने आप को तो पढ़ ले, क्योंकि इसी आधार पर तो मार्क्स है ना, 21 जन्मों की प्राप्ति। बाबा कहते हैं कि समान बनो संपन्न बनो, तो समय के चैलेंज को देखो और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। अच्छा, अब बाबा का याद क्या है, चारों ओर के सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, चारों ओर के सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, सदा संतुष्ट सदा प्रसन्न चित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वयं को श्रेष्ठ नाम मान शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशन की लाइट माइट देने वाले प्रसन्न चित आत्माओं को बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा प्यार गुड मॉर्निंग शुक्रिया नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। वरदान आज का, हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर,
हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। बाप दादा द्वारा संगम युग पर जो भी खजाने मिलेंगे उनसे स्वयं को सदा भरपूर रखो। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। भरपूर चीज में दूसरे कोई चीज आ नहीं सकती। ऐसे नहीं कह सकते कि सहन शक्ति व शांति की शक्ति नहीं है। थोड़ा क्रोध या आवेश आ जाता है। कोई दुश्मन जबरदस्ती तब आता है जब अलबेलापन है या डबल लॉक नहीं है। याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो। कौन सा डबल लॉक? याद और सेवा। याद शिव बाबा की, याद और सेवा मतलब अपने आप को बिजी कर लो। बिजी रहेंगे तो फ्री रहेंगे, माया से बचे रहेंगे। मैंने देखा है कई बड़ों को मतलब इतना अपने आप को बिजी कर लेते जो प्रॉब्लम आती ही नहीं, मतलब अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। बिजी कर लो तो इजी कर लो, आप फ्री हैं तो बातें आएंगी। कई बारी होती भी है लेकिन फ्री है तो ज्यादा आएंगी बातें, लेकिन यदि बिजी है तो अपने आप सॉल्यूशन निकल जाता है। याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो। स्मृति स्वरूप रहो तो समर्थ बल सदा ही सेफ रहेंगे। जैसे ओआरसी में थे तो मतलब आशा दीदी बहुत बिजी रहते हैं, तो बातें तो होती हैं संगठन में लेकिन कई बार दीदी के पास टाइम ही नहीं है समस्या वो करने का, तो वो अपने आप ही समस्या सुलझ जाती है। ऐसा भी देखा, वो बैठे हैं अभी घंटे भर तक कैसे वेट करें, चलो अपने आप ही मतलब वो सॉल्यूशन निकल आएगा। इजी बिजी हो गए तो वो इजी हो जाती चीजें। तो ऐसे तो बाबा कहते याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो, स्मृति स्वरूप रहो तो समर्थ बल सदा ही सेफ रही। स्लोगन, विश्व का नव निर्माण करने के लिए, विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित बनाओ। अपनी स्थिति निर्माण चित बनाओ। हम लोग का यही चल रहा है ना व्यक्ति शरद, निर्माण चित अर्थात आप निर्माण कब कर पाएंगे? जब निर्माण होगा, एगोलेस होगा। अच्छा इशारा है 23 तारीख का, संस्कारों में निर्माण, संस्कारों में निर्माण और निर्माण दोनों विशेषताएं मालिकपन की निशानी है। निर्माण इगोलेस और निर्माण कंस्ट्रक्शन दोनों विशेषताएं मालिकपन की निशानी है। साथ साथ सर्व आत्माओं के संपर्क में आना, स्नेही बनना, सर्व के दिलों के स्नेह की आशीर्वाद अर्थात शुभ भावना सबके अंदर से उस आत्मा के प्रति निकले। चाहे जाने चाहे ना जाने दूर का संबंध व संपर्क, लेकिन जो भी देखे वह स्नेह के कारण ऐसे ही अनुभव करे कि यह हमारा है। ठीक है, वो कब होगा? सामने वाला जो आपको जानते भी नहीं उतना ज्यादा, लेकिन वो ऐसे अनुभव करे कि ये हमारे, जैसे दादी दादी को हम देखते हैं, हर एक दादी से ऐसा फील होगा ना हमारी दादी है,
भले उतना क्लोज आए भी नहीं है, उतना बैठे भी नहीं है, लेकिन फील होता है दादी हमारी। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि उनके खुद के मन में सभी के लिए ये सब हमारे वो वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमारे मन में भी सबके लिए ऐसा हो कि हमारे कोई कैसा भी है, परिवार में तो हर तरह का बच्चा होता है, कोई कैसा भी है, हर एक के लिए एक्सेप्टेंस, ये हमारे अपने। अच्छा, ओम शांति। तो आज विशेष संडे है और दीदी ने कहा है विशेष अभी 15 मिनट 8:30 बजे तक योग करेंगे, 10 मिनट अनाउंसमेंट है कुछ।